हो गया था, फिर अम्मी का फ़ोन आ गया कि आ जाओ कुछ शॉपिंग करनी है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि शादी की तैयारी चले, तो हम लोग यहाँ पर आ गए सिटी सेंटर, और मैंने थोड़ी एक आध बहुत सारा कपड़ा पसंद नहीं आया, बस एक आध कपड़े लिए हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कुछ और शॉप्स में जाके कि कैसे कैसे कपड़े दिखा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अम्मी और गुड़िया आ रही हैं और निकल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या क्या कपड़े मिल पा रहे हैं हम लोगों को। हेलो गाइस, तो मैं कल आ गई थी वहाँ से, हम लोग सिटी सेंटर गए और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया ज़्यादा, बस दो तीन ही ड्रेस ली और फिर और हम लोग कहीं गए ही नहीं, तो इस वजह से मैंने और उसकी वीडियो नहीं बनाई। शाम का वक्त है, अभी शाम का वक्त है, और मैं ये लंच के लिए मैंने भिगोई थी दाल, और मतलब कल स्कूल ले जाने के लिए लंच के लिए मैंने दाल भिगोई थी, अब मैं उसे पीसने जा रही हूँ, और इसे मैं थोड़ी सी गुजिया जैसा कुछ बनाऊंगी जो मेरे लिए बहुत हेल्दी सा होगा। तो गाइज़ मैं उसको बनाने की पूरी रेसिपी आपसे थोड़ी शेयर करूंगी। देखिए, दाल में मैंने अदरक का छोटा सा टुकड़ा, लहसुन और हरी मिर्च डाली है, और अब मैं इसे पीस दूंगी, और पीस करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करूँगी। अदरक सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, ठंड के असर से बचाती है, इसलिए सर्दियों में मैं अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। देखिए, मैंने दाल पीस ली है, और पीस के मैंने इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, एक दो चम्मच पानी डाल के दाल पीसी, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये। देखिए, मैंने आटे के साथ ऐसे बना लिया है इसको, और मैंने पानी पहले से ही रख दिया था थोड़ा सा गर्म होने के लिए, अब मैं इसके अंदर इसको डाल देती हूँ। देखिए, ये पानी में बॉयल हो जाएगा। मैंने दोनों गुजिया डाल दी है पानी में, और ये देखिए अभी पानी गर्म नहीं हुआ था प्रॉपरली, मैं इसमें फिंगर डाल सकती हूँ, देखिए गर्म तो है, तो बस अभी इसको ये बॉयल होगा अच्छे से, अंदर से पक जाएगा तब मैं इसे निकाल दूँगी, और बस इसे कुछ भी फ्राई वाई नहीं करना है, बस बहुत ही हेल्दी है एकदम बॉयल किया हुआ, बॉयल करने से और भी स्टार्च इसका निकल जाएगा, और बस दाल है इसमें तो दाल तो बहुत फ़ायदेमंद होती ही है, तो ये मैं अक्सर लंच में ले जाती हूँ। आप लोग को भी अगर इस तरह की रेसिपीज़ पसंद है तो ले जाइएगा, बहुत टेस्टी भी है और यम्मी भी है, और आसानी से बन भी जाती है, और सर्दी में तो बहुत अच्छी भी लगती है। गाइस, ये देखिए मैंने बनाया अभी शाम का नाश्ता, चना चूड़ा और थोड़ी सी पकौड़ी है बस। तो आज अब तक का व्लॉग बस इतना ही होगा आज का, अब अगला व्लॉग नेक्स्ट डे आएगा इंशाल्लाह, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।